हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे प्रीवियस यूजीसी नेट के हैं, जो कि मैंने अलग अलग टॉपिक से चुने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड एन इवोल्यूशन प्रोसीजर फॉर रेफरेंस बुक्स, लुईस सोर्स, ए जी वेल्स, सी एम विंचल, एस आर रंगनाथन। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रेफरेंस इवोल्यूशन का जो प्रोसीजर है, उस रेफरेंस बुक का जो इवोल्यूशन प्रोसीजर है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये है लुईस सोर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेसिक रेफरेंस सोर्स इज ऑथर्ड बाय J.S. सेरा, W.A. कास्ट, लुईस सोर्स, D.J. फॉसेट। बेसिक रेफरेंस सोर्सेज जो है किसके द्वारा बनाया गया है, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी लुईस सोर्स के द्वारा लिखा गया है। बुक्स के नाम से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल, एल आर मैकॉल्विन, ए जे वॉल्फर्ड, डी जे फॉसेट, ई जे कोट्स। तो देखिए, गाइड टू रेफरेंस मटेरियल की किताब के ऑथर कौन है, तो ये हैं ए जे वॉल्फर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच रेफरेंस सोर्स इज नॉट यूज टू प्रोवाइड रेडी रेफरेंस सर्विस, डिक्शनरी, ईयर बुक, जनरल, बिब्लियोग्राफी। कौन सा रेफरेंस सोर्स जो है रेडी रेफरेंस सर्विस के लिए हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो रेडी रेफरेंस सर्विस के लिए हम लोग जो रेफरेंस सोर्स यूज़ नहीं करते हैं, वो है हमारा जर्नल। क्वेश्चन नंबर 25 है, ईयर बुक आर आल्सो नॉन एज हैंडबुक, एनुअल, डायरेक्टरी, डिक्शनरी। तो ईयर बुक को हम लोग क्या, दूसरा क्या नाम से हम लोग ईयर बुक को जानते हैं, तो वो है एनुअल। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए पब्लिकेशन विच इज पब्लिश्ड एनुअली प्रोवाइडिंग करंट इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्म आर कॉल्ड हैंडबुक्स, स्टैटिस्टिक्स बुक्स, ईयर बुक, डायरेक्टरीज। एक ऐसा क्वेश्चन का मतलब, एक ऐसा पब्लिकेशन जिसको हम लोग एनुअली मतलब सालाना पब्लिश करते हैं, और जो कि आपको करंट इन्फॉर्मेशन मतलब प्रेजेंट का इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज और स्टैटिस्टिकल मतलब जो उसका डाटा है वो सारा के फॉर्म में देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडबुक, स्टैटिस्टिक्स बुक, ईयर बुक या डायरेक्टरी। तो एनुअली जो पब्लिश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर बुक। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु इज रेफर टू एज फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज, जॉन हैरिस, अरिस्टोटल, जॉन हैरिस, सर्विले। तो देखिए, फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया किसको बोला जाता है, तो ये है अरिस्टोटल। इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर भी मैंने एक डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, अगर आप लोग को इंसाइक्लोपीडिया का डिटेल वाइज पढ़ना है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग इंसाइक्लोपीडिया के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और रेफरेंस सोर्स के भी जो मैंने क्वेश्चंस कराए, रेफरेंस सोर्स पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो करा रखा है, तो उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ISBN कैन बी रीयूज्ड, यस, नो, कांट से, नन ऑफ दी अबव। देखिए, ISBN पे भी मैंने डिटेल लेक्चर ले रखा है, तो देखिए ISBN पे भी मैंने एक डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, तो ISBN का जो टॉपिक है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग ISBN के टॉपिक को डिटेल वाइज पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, ISBN कैन बी रीयूज्ड, यस, नो, कांट से, नन ऑफ दी अबव। तो ISBN जो है, जो नंबर होता है उसको हम लोग दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। हर एक बुक का अपना पर्सनल ISBN नंबर होता है, उसको हम लोग दोबारा एक ISBN नंबर को, एक किताब के ISBN नंबर को हम लोग दूसरे बुक्स में नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ISBN कंटेन्स 11 डिजिट्स, 12 डिजिट्स, 14 डिजिट्स, 13 डिजिट्स। तो ISBN मतलब कितने डिजिट्स का होता है, तो ISBN जो है आपका 13 डिजिट्स का होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ISBN पे अगर आप लोग को डिटेल वाइज पढ़ना है, तो उसका लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इसको डिटेल वाइज पढ़ के उसका मैंने प्रॉपर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, उसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द 12 रूल्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस वेयर गिवन बाय, ईएफ कोड, चार्ल्स बेबेज, जेम्स वेयर्स, टीम बर्नर ली। तो देखिए, जो रिलेशनल डाटाबेस है उसके जो 12 रूल्स हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो वो है ईएफ कोड। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंस्पैक के बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस डील्स विथ साइकोलॉजी एंड इथिक्स, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिलोसफी एंड इथिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। देखिए, इंस्पैक एक बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस जो है, इंस्पैक किससे डील करता है, तो इंस्पैक किससे डील करता है, फिलोसफी एंड इथिक्स।
क्वेश्चन नंबर 32 है, रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस इन इंडिया इज विद्यानिधि, शोधगंगा, शोधगंगोत्री, इंडियन नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी। तो देखिए, रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस जो इंडिया में यूज होता है, ये एक टाइप का क्या है? तो ये एक टाइप का शोधगंगोत्री है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड टू रेफरेंस बुक, सी एम विंचेल, विलियम ए कार्ड्स, लुई सोर्स, मॉरिस बी लाइन। तो देखिए, इसके जो ऑथर है वो कौन है? सी एम विंचेल। क्वेश्चन नंबर 34 है, जूडिस डाटाबेस इज डेवलप्ड बाय डेलनेट, बालनेट, आईनेट, निसनेट। तो जूडिस डाटाबेस है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये है आपका निसनेट के द्वारा डेवलप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पे पर व्यू इज एन पब्लिशिंग टूल, प्राइसिंग मॉडल, स्टैंडर्ड, नन ऑफ दीज। देखिए, पे पर व्यू क्या है? तो पे पर व्यू क्या है? एक टाइप का प्राइसिंग मॉडल है, मतलब कि आपको हर एक व्यू पे आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक टाइप का प्राइसिंग मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ISSN असाइनिंग एजेंसी इन US डैश ब्रिटिश लाइब्रेरी, आर आर बुकर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो देखिए, ISSN जो नंबर होता है, इसको जो एजेंसी आपको देती है, वो US की जो एजेंसी जो ISSN नंबर देती है, वो कौन सी एजेंसी है? तो वो है ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा आपको US में हर एक चीज़ों को क्या किया जाता है? हर एक किताबों को ISSN नंबर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, शोधगंगा, विद्वान, शोधगंगोत्री, इन्फोपोर्ट, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना है कि कौन सा इसमें से ऑड है। तो इसमें से जो आपका ऑड है वो है इन्फोपोर्ट। क्यों? क्योंकि देखिए, शोधगंगा भी क्या है? इन्फ्लिपनेट के द्वारा बनाया गया है, विद्वान भी इन्फ्लिपनेट के द्वारा बनाया गया है, शोधगंगोत्री भी इन्फ्लिपनेट, इन्फोपोर्ट जो है इन्फ्लिपनेट के द्वारा नहीं है। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। देखिए, शोधगंगा एक टाइप का डिजिटल डिपोजिटरी सिस्टम है जो कि क्या करता है? थीसिस और डिसर्टेशन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक क्या करता है? सेव करके रखता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको इन्फ्लिपनेट के द्वारा बनाया गया है। ये क्या करता है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेस देता है, जो उनका स्कॉलरी वर्क है उनको क्या करने के लिए? रखने के लिए, संभालने के लिए। ये क्या करता है? बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हैं उनको ये इस प्लेटफॉर्म पे एक्सेस मिलता है। विद्वान क्या है? तो विद्वान भी क्या है कि इनिशिएटिव है जो कि इन्फ्लिपनेट के द्वारा बनाया गया है। इन्फ्लिपनेट का फुल फॉर्म क्या है? तो इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जो कि इस्टेब्लिश ये क्या करता है? बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में वर्क करता है। और ये क्या करता है? रिसर्चर्स के डिटेल, स्कॉलर्स, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड और वो किस चीज़ में अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है उसके बारे में आपको क्या करता है? डिटेल्स देता है। फिर आता है आपका शोधगंगोत्री। तो शोधगंगोत्री भी एक अनदर टाइप का इनिशिएटिव है जो कि इन्फ्लिपनेट सेंटर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म है जो इस रिसर्च स्टूडेंट्स जो हैं उनको हेल्प करता है कि वो अपने जो PhD में वो जो थीसिस बनाते हैं उनको ऑनलाइन अवेलेबल करवाता है। मतलब उनका जो थीसिस है उसको डिजिटली शोधगंगोत्री पे क्या करता है? डिपॉजिट किया जाता है। इन्फोबोट क्या है? इन्फोबोट इन्फ्लिपनेट के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये एक टाइप का स्पेसिफिक एकेडमिक और रिसर्च रिलेटेड इनिशिएटिव है जो कि क्या क्या जाता है? ये एक टाइप का रिसर्च रिलेटेड इनिशिएटिव है ओनली, बस इन्फोबोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद 5R एक्टिविटीज ऑफ OER, रिसीव, रिडिस्ट्रीब्यूट, रिवाइज, रिवीजन, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो देखिए, इसमें से आपको बताना है OER का 5R एक्टिविटीज में कौन कौन सा आता है। सबसे पहले हम लोग OER के बारे में समझते हैं। तो OER किससे स्टैंड करता है? तो OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या करता है? तो देखिए, OER का फुल फॉर्म तो हम लोग समझ गए, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये एक टाइप का क्या है? ये एक फ्रीली अवेलेबल एक टाइप का टीचिंग मेथड है, ये जिसमें कि रिसर्च मटेरियल्स और ये जो लेक्चर नोट्स, टेक्स्ट बुक, सिलेबस, असाइनमेंट टेस्ट, वीडियोस और जो अदर एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं, इसको फ्रीली अवेलेबल कराया जाता है, जिसमें यूजर्स क्या कर सकते हैं? इसको यूज़ कर सकता है, शेयर कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। मतलब फ्रीली अवेलेबल होता है एजुकेशनल रिसोर्सेज इसमें, ठीक है। अब देखिए, इसके कुछ 5R एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें से हमारा आता है, सबसे पहला आता है रीयूज, रिवाइज, रिमिक्स, फिर आता है आपका रीडिस्ट्रीब्यूट एंड देन आता है लास्टली रिटेन। तो हम लोग एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग OER का फुल फॉर्म समझे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसमें पहला एक्टिविटी आता है रीयूज। इसमें मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस
मान लीजिए कि मैं OER हूँ, ठीक है, मैं OER हूँ और मैंने, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, तो मैंने यूज़र को ये राइट दिया हुआ है कि मैं अपने क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी कंटेंट को वाइड रेंज पे, वाइड मतलब बहुत तरीके से, अपने बहुत अलग अलग बेस से मैं क्या कर सकती हूँ, अपने कंटेंट को शेयर कर सकती हूँ, लोगों को बांट सकती हूँ, लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं इसका राइट देती हूँ। जैसे कि आप लोग स्टडी ग्रुप में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, ऑन वेबसाइट पर पढ़ते हैं, किसी वीडियो में पढ़ते हैं, एक वेबसाइट पर बहुत सारे यूज़र्स क्या करते हैं, उससे कंटेंट लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो मैंने क्या किया, उसको अलाउ किया, परमिशन दिया। वो क्या होता है, फ्री होता है, वेबसाइट पे पढ़ना है तो स्टडी ग्रुप में भी क्या होता है, फ्री होता है। तो हम लोग क्या, रीयूज का मतलब है कि अपने कंटेंट को राइट देना कि वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों तक इस चीज को फैला सकते हैं और वो लोग उसको पढ़ सकते हैं। फिर आता है रिवाइज, मेरे को राइट है कि मैं जो, मेरे को जो कंटेंट मिला है मैं उसको ट्रांसलेट कर सकती हूँ, अडेप्ट कर सकती हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ, या तो दूसरे कंटेंट में खुद से चेंज भी कर सकती हूँ। इसका एग्जांपल है कि मैं अपने लैंग्वेज, अपने कंटेंट को दूसरे लैंग्वेज में क्या कर रही हूँ, ट्रांसलेट कर रही हूँ। फिर थर्ड आता है रिमिक्स, इसमें क्या करते हैं, हम ओरिजिनल और रिवाइज कंटेंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं और कुछ नया क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम लोग को जब क्लास कोई हम लोग नोट्स बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो नोट्स बनाया हुआ होता है, जो हमारे प्रीवियस, जो हमारे सीनियर्स हम लोग को जो नोट्स देते हैं, वो नोट्स हम अपने पास रखते हैं, और जो हम लोग को प्रेजेंट में जो हम अपना नोट्स बनाते हैं, वो दोनों नोट्स मिला के हम लोग क्या करते हैं, कुछ नया बनाते हैं और फिर हम लोग उसको एग्जाम में लिखते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तो रिमिक्स का मतलब ये है कि ओरिजिनल विथ रिवाइज्ड। फिर आता है आपके पास रिडिस्ट्रीब्यूट, इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने ओरिजिनल कंटेंट कॉपी को, या तो आपके रिवीजन को, या तो आपके रिमिक्सेस को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसकी कॉपीज को हम लोग शेयर कर सकते हैं। रिटेन का मतलब होता है कि हमको ये अधिकार है कि हम अपनी जो हमारा जो कंटेंट है उसको हम लोग अपने पास रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या तो उसका कॉपी, कंटेंट की कॉपी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये होता है 5 एक्टिविटी जिसमें आता है, सबसे पहला आपका आता है रियूज, रिवाइज, रिमिक्स, रिडिस्ट्रीब्यूट एंड देन रिटेन। तो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, Which one of the following is not associated with 5R activities of OER? Receive, redistribute, revise and revision and the last question not attempted. तो इसके आंसर है आपका revision, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दैट प्रोवाइड्स ए स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, फंक्शन एज ए सर्विस, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। देखिए, जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आए तो कौन सा सर्विस आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, ठीक है। अब हम लोग सारा इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है, IaaS क्या होता है, PaaS क्या होता है, SaaS क्या होता है, FaaS क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में डिटेल वाइज। ये क्या करता है, ये आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है ये आपको ऑफर करता है देखिए IaaS जो होता है ये आपको ऑफर करता है कि आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में जो आपको रिसोर्सेज मिला हुआ है उसको इंटरनेट पे, ये आपको परमिशन देता है कि आप सर्वर को क्या कर सकते हैं, यूज़र्स क्या कर सकते हैं, सर्वर को रेंट पे ले सकता है और उसमें अपना स्टोरेज रख सकता है, या तो अदर जो फंडामेंटल उसका जो रिसोर्सेज है, कंप्यूटर का जो रिसोर्सेज है उसको क्या कर सकता है, रख सकता है। तो ये क्या होता है कि आप जैसे जैसा पेमेंट करेगा वैसा वैसा आपको क्या मिलता है, स्टोरेज मिलता है। तो ये एक टाइप का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, जगह देता है जिसमें क्या कर सकते हैं आप अपने स्टोरेज को कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये होता है आपका IaaS, जिसको बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसमें यूजर्स को फुल्ली कंट्रोल होता है कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस और जो उनका डेवलपमेंट है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे चलाते हैं। मतलब एक बार मैंने अपना सर्वर खरीद लिया, फिर मेरी मर्जी कि मैं उसको कैसे चलाऊं। ये होता है IaaS, ठीक है, IaaS। अब देखिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS पास, देखिए ये क्या परमिशन देता है, ये क्या करता है एक प्लेटफॉर्म देता है यूजर्स को, जिससे क्या कर सकते हैं कस्टमर उसको क्या कर सकता है कि डील
डेवलप कर सकता है या आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसमें कस्टमर क्या कर सकता है, अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, रन कर सकता है और एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकता है विदाउट क्या करना है, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सर्वर नहीं खरीदना, आप अपना बना लीजिए। तो ये होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसके अंदर आपका आता है एग्जाम्पल जैसे गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर ऐप सर्विस एंड हीरोकु, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, तो PaaS के। अब आता है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है कि आपको एक डिलीवर किया जाता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पे जो कि सब्सक्रिप्शन बेसिस होता है, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और उस एप्लीकेशन को क्या करिए, यूज़ करिए। तो इसमें आपका एग्जांपल आता है गूगल वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, सेल्स फोर्स एंड ड्रॉप बॉक्स ETC, ये सारा आपका क्या आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आता है एग्जांपल, जिसमें कि आप एक सॉफ्टवेयर लीजिए और उसमें क्या करिए अपने एप्लीकेशंस को इंटरनेट पे चलाइए, आपको क्या करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिर आता है फंक्शन एज ए सर्विस। फंक्शन एज ए सर्विस में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं ऑल्सो नोन एज, इसमें क्या होता है सर्वर, इसको हम लोग सर्वर लेस कंप्यूटिंग भी कहते हैं। ये क्या करता है, आप यूज़र को अलाउ करता है, परमिशन देता है, अलाउ डेवलपर्स टू डिप्लॉय इंडिविजुअल फंक्शंस और पीसेस ऑफ कोड इन रिस्पांस टू इवेंट्स विदाउट मैनेजिंग सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या करता है, यूज़र को ये परमिशन देता है कि वो अपना इंडिविजुअल फंक्शन अपना कर सकें, इवेंट्स को अपने तरीके से चला सकें, जिसमें कि उनको ना कोई सर्वर खरीदना ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना है। ये जो होता है डेवलपर्स इसके लिए अपना पर्सनली कोड लिखते हैं और जैसे उनको स्पेसिफिक टास्क करना है तो ये उसके लिए अपना एक कोड बनाते हैं और उसी कोड पे क्या करते हैं, ये अपना पूरा फंक्शन को रन करवाते हैं, एग्जीक्यूशन कराते हैं, अपना प्रोग्राम रन कराते हैं, उनके हिसाब से उनको आउटपुट मिलता है, इस तरीके से उनका काम चलता है। मतलब ये कोडिंग बेसिस आपका वर्क हुआ। तो इसमें आता है आपका एज्योर फंक्शन, गूगल क्लाउड फंक्शन, IBM क्लाउड फंक्शंस, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ आ गया FaaS के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 है, KWIC इंडेक्सिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय रंगनाथन, EJ कोर्स, मेलविल DB, HP लुहून। तो KWIC इंडेक्सिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो HP लुहून। मैंने इंडेक्सिंग सिस्टम पे 2-3 वीडियो बना रखा है जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसको देखा है। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। कहीं भी अगर आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पे सोल्स क्लासेस पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रॉब्लम, उस टॉपिक का जो दिक्कत होगा, मैं उसके पे एक डिटेल लेक्चर लाके आपको समझा दूंगी। तो देखिए मैंने आज आपको कौन कौन सा क्वेश्चन कराया उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि इवेल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ फॉर रेफरेंस बुक्स का जो किताब है किसके द्वारा लिखा गया है, तो लुईस सोर्स के द्वारा। बेसिक रेफरेंस सोर्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो लुईस सोर्स। गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा लिखा गया है, तो AJ वॉलफर्ड। रेफरेंस सोर्स जिसको हम लोग रेडी रेफरेंस सर्विस में नहीं लाते वो है जनरल। ईयर बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल। जो ऐसा पब्लिकेशन है जो कि करंट इन्फॉर्मेशन देता है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल फॉर्म में और ये एनुअली पब्लिश होता है तो वो क्या कहलाता है, ईयर बुक। फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कौन है, तो अरिस्टोटल। ISBN को हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं। EISBN में कितने डिजिट्स हैं, तो 13। 12 रूल्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस किसने दिया है, तो EF कॉर्ड। फिर इंस्पेक एक बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस ही किससे डील करता है, फिलॉसफी एंड इथिक्स। रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस जो इंडिया में चलता है वो क्या है एक टाइप का, तो शोध गंगोत्री। गाइड टू रेफरेंस मटेरियल, गाइड टू रेफरेंस बुक ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए गाइड टू रेफरेंस बुक की बात करें तो ये लिखा है विलियम ए कार्ड्स ने। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आप लोग को करवाया है, वहाँ पे एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में है गाइड टू रेफरेंस मटेरियल, तो ये लिखा है किसने, तो AJ वॉलफर्ड ने। तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पे मटेरियल है वहाँ बुक है, तो जब मटेरियल की बात किया जाए तो AJ वॉलफर्ड और जहाँ पे गाइड टू रेफरेंस बुक बोला जाए तो क्या था, विलियम ए कार्ड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही एकदम माइनर सा डिफरेंस है, इसी में एग्जाम में बच्चों से दिक्कत गलती हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 मैंने पढ़ाया था जूडिस डाटाबेस किसके द्वारा है, तो ये है निसनेट के द्वारा। पेपर व्यू क्या है, तो एक प्राइजिंग मॉडल है। ISSN असाइनिंग एजेंसी जो वो कौन सी है, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी। इसमें से ऑड वन बताना है तो शोध गंगा भी इन्फ्लिपनेट के द्वारा, विद्वान भी इन्फ्लिपनेट, शोध गंगोत्री भी इन्फ्लिपनेट, इन्फोपोर्ट भी इन्फ्लिपनेट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है शोध गंगा और शोध गंगोत्री, तो शोध गंगा को स्कॉलरी वर्क्स के लिए यूज किया जाता है, स्कॉलरी वर्क्स के लिए, और शोध गंगोत्री को रिसर्च स्टूडेंट के PhD थीसिस को ऑनलाइन करने के लिए शोध गंगोत्री का यूज किया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। फिर इसके बाद 5R एक्टिविटीज ऑफ OER मैंने पढ़ाया, तो इसमें कौन सा ऑर्ड था, रिवीजन। OER का फुल फॉर्म होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, और इसके 5 एक्टिविटीज क्या है, रीयूज, रिवाइज, रिमिक्स, रिडिस्ट्रीब्यूट एंड रिटेन। क्वेश्चन नंबर 39 था कि कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये आपको क्या करता है, सर्वर को रेंट पे देता है। PaaS क्या करता है, कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें वो अपने एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकता है। SaaS क्या करता है, सॉफ्टवेयर, एक आपको सॉफ्टवेयर प्रदान करता है जिसपे आपको क्या करना होता है, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। FaaS क्या होता है, ये कोडिंग पे काम करता है, इंडिविजुअल अपने हिसाब से क्या करता है, कोडिंग को रन करवाता है, उसके हिसाब से वो अपना फंक्शन को क्या करता है, यूज़ करता है। पहले वो कोड बनाएगा और जिस टाइप का उसको फंक्शन चाहिए उसके हिसाब से वो कोडिंग करता है, देन उसके बाद उसको उस टाइप का रिस्पांस मिलता है। तो KWIC इंडेक्सिंग सिस्टम किसके द्वारा बताया गया था, तो HP लुहून। तो इंडेक्सिंग सिस्टम भी मैंने डिटेल वाइज पढ़ा रखा है, जो जो इंडेक्सिंग सिस्टम हो गया, ISBN हो गया, रेफरेंस सर्विस हो गया, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक है, इसका मैंने डिटेल लेक्चर पढ़ा रखा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स लिख के इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। बाकी का मैं ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जो सीरीज़ है आपका UGC नेट के एग्जाम तक चलेगी, अभी हम लोगों ने 3 दिन में 40 क्वेश्चन तक कर लिया है, इसी तरह हम लोग डेली 20-20 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।